What's up guys? आज हम देखेंगे आईसीसी ने इंडिया को धोखे से जिताया। इंडिया की जीत से किसकी सूजी है? सूजी तो बहुत सारों की है। सबसे पहले तो वही होगा। नहीं, चैपल भी कह रहा है। चैपल, ग्रेग चैपल याद है? वो तो भाई थे। वो तो भाई देखते हैं। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब क्रिको चैनल से। वीडियो है 1 2 3 गो। अच्छा, 3 दिन का टाइम गुजर चुका है अपने को वर्ल्ड चैंपियन बने, और मुझे यकीन है कि अभी जब जब आपको जीत का वो सीन याद आ रहा होगा, ऑटोमेटिकली आपके होंठों पर हंसी, चेहरे पर चमक और आंखों में नमी आई जाती है कि नहीं। हार्दिक को चूम कर उनके हाथों से तिरंगा लेकर रोहित ने बार बार उसके मैदान पर झंडा गाड़ा, पिच की मिट्टी चबाई और फिर कमाल की वॉक करते हुए ट्रॉफी उठाई। ये सीन या तो मैं अपने फोन पर देखता ही जा रहा हूँ या फिर अपने मन में इसे लूप में रिप्ले करता जा रहा हूँ। अब ये सारे सीन है ही इतने बेहतरीन कि क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता और मन अपने टीम के लिए इमोशनल हो जाता है। खैर, 27 दिन के T20 वर्ल्ड कप का समापन तो हो चुका है, मगर टीम इंडिया अभी भी बारबाडोस में है, जबकि उन्हें आज इंडिया पहुंच जाना था। ऐसा क्यों, ये जानने के लिए नोपो चैनल पर पहुंचो। क्यों टीम इंडिया वेस्ट इंडीज में ही फंसी हुई है, इसके ऊपर एक मस्त वीडियो हमने बनाई है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाकर वो सीधा चैनल और वीडियो दोनों देख लेना, ठीक है? यहां पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो शख्स की जिनकी टीम इंडिया की जीत से ज्यादा आईसीसी ने सुझा दी है। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपनी टीम पर तलवार चला ही रही है, और इसी क्रम में बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से साइड कर दिया गया है। पर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करने नहीं आया है, अपन तो बोलने आया है कि क्रिकेट के गार्डन में 1 साल के लंबे एक्शन पैक्ड मैचों के बाद अब नया साइकिल स्टार्ट होगा। फिर से दुनिया की सभी टीमें जीरो से स्टार्ट करेंगी, जैसे कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। अब जैसे पाकिस्तान तो जीरो से स्टार्ट कर चुका है, पर माइनस की तरफ। एक नए क्रिकेट साइकिल में तो टीम इंडिया का एकदम से लुक बदल जाएगा, क्योंकि विराट, रोहित और जड्डू ये 3 मेजर नाम अब हमें T20 इंटरनेशनल के स्कोर कार्ड पर नहीं दिखेंगे कभी भी। और इसकी शुरुआत जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज से होगी। ट्राई मतलब 3 देशों की सीरीज नहीं, TRY वाला ट्राई सीरीज, जहां कुछ नए खिलाड़ियों को ट्राई किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन है जो अगले T20 वर्ल्ड कप तक रोहित कोहली और जड्डू जैसे मैच विनर्स की जगह भर पाएगा। ये आपको जल्दी पता चलेगा। क्या लगता है कौन सा खिलाड़ी अपकमिंग डेज में आप नजरें जमा कर जिनको देखना चाहोगे? क्या वो कोई बैटर है या बॉलर है जिसके ऊपर आपकी नजर है? कमेंट करके जरूर बताना। ओपनिंग में रोहित कौन रह सकता है? बहुत बड़ा गैप है, इस पर आगे किसी दिन वीडियो बनाकर डालेंगे। मगर यार देखो कितने लगन से और मगन से भारत की नई टीम तैयार होते हुए देखना चाहते हैं हम लोग, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन यान चैपल ने T20 वर्ल्ड कप के उस आयोजन को लेकर हल्ला वो काट रहे हैं जो 3 दिन पहले खत्म हुआ। यान चैपल आया मैदान में। चैपल साहब की माने तो जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तभी से इंडिया को आईसीसी ने फायदा पहुंचाया और उनके लिए राह आसान की है। चैपल चचा, यार एक बात बताइए, आप तो बड़े ही सज्जन और नेक दिल इंसान है, आप दूसरे चैपल जैसे तो है भी नहीं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जिस बात का कोई तर्क ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है? हेलो, चैपल कहते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप ईमानदारी से नहीं करा पाई और उसकी नियत पर सवाल उठाकर चैपल ने सीधा हिट टीम इंडिया पर किया। चाचा चैपल ने कहा कि आईसीसी ने रूल्स में छेड़छाड़ करके टीम इंडिया को फायदा पहुंचाया और उनको वेन्यू की जानकारी पहले से दे दी, जबकि दूसरी टीमों के साथ ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा चैपल ने यह भी कहा कि अगर सेमीफाइनल में बारिश हो जाती तो रिजर्व डे का स्कोप नहीं रखा गया और टेबल टॉपर होने से इंडिया क्वालिफाई करती। ये नियम सरासर गलत था और इसके लिए आईसीसी जिम्मेदार। इस तरह नियमों को तोड़ मरोड़ कर इंडिया को फायदा पहुंचाया गया। वैसे चैपल से पहले शामिल है माइकल वॉन। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी यही बात अपने पॉडकास्ट में कही कि आईसीसी पर इंडिया का हुकुम चलता है और जानबूझकर इंडिया को फेवर किया गया। एडम गिलक्रिस्ट ने भी इसी बात का समर्थन किया और कहा कि आईसीसी को सिर्फ इंडिया को प्रिविलेज नहीं देना चाहिए क्योंकि वहां से ज्यादा पैसे आते हैं, इसलिए क्या? दरअसल चैपल और वॉन के हिसाब से भारत को सेमीफाइनल में हार जाना चाहिए था, मगर आईसीसी ने भारत का मैच गयाना में रखवा दिया, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि वेन्यू टीम के लिए पहले से सपोर्टिव था। अगर इंग्लैंड की टीम कहीं और अपना सेमीफाइनल खेलती तो शायद जीत जाती। इस पर रोहित शर्मा अपनी राय चैपल के इस सवाल से पहले ही दे चुके हैं। रोहित ने सेमीफाइनल से पहले कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम भी यहाँ खेल चुके हैं, इंग्लैंड भी यहाँ खेल चुकी है, जो अच्छा उस दिन खेलेगा वो जीतेगा। एकदम सही बोला रोहित भाई, तभी तो हम ट्रॉफी जीते भी। मगर हमारी जीत में उंगली करने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, पर हम फैंस भी गोलमाल के गोपाल हैं। हमारी टीम की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो वैसे बहुत ही लंबा इंतजार करवाया गया हमें इस आईसीसी ट्रॉफी के लिए। पहले तो 1983 से लेकर 2024 के बीच गुजरे 41 साल में भारत कई मर्तबा फिनिश लाइन क्रॉस करने से चूकता रहा, और इस बार जो लाइन हमने क्रॉस की है उसके लिए तो हम फैंस का खुशी में पगलाना तो बनता है, साथ ही गम में पगलाना बनता है चैपल और वॉन जैसे लोगों का, जिनकी टीम इंडिया की जीत से हमेशा सूजी ही पाई जाती है। इनफैक्ट हमारे दोनों पड़ोसियों की भी सूजी, यानी दोनों ही ग्रीन जर्सी वाले, एक प से पाकिस्तान और दूसरा क से बांग्लादेश,
सही बोला। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनके ऊपर हमने एक मस्त वीडियो बनाई है अपने आरजे रौनक चैनल पर जाकर फनतंत्र जरूर देखिएगा। कल रात को हमने डाली और बढ़िया लोग उसको देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। आपको भी वो वीडियो देखकर मजा आएगी। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को भाई पहले पाकिस्तान फिर बांग्लादेश बर्दाश्त क्यों नहीं होती। और अगर मैं एक चीज बोलूं कि मतलब फेवर करता आया है तो ऐसा तो है नहीं। 7 महीने में बीसीसीआई ज्यादा अमीर हो गया। बीसीसीआई तो 7 महीने पहले भी अमीर था। छोटी सी बात है। नहीं नहीं एक सेकंड मैं पहले बोल लेती। बीसीसीआई तो उस नवंबर 19 नवंबर तक भी अमीर था। ऐसा तो नहीं 7 महीने में उसने करोड़ों कमा लिए और आईसीआईसी वो छोड़ो इतना ही फायदा था तो जब इंडिया में वर्ल्ड कप होता तब इंडिया फाइनल क्यों नहीं जीती। वो छोड़ो दूसरी बात क्या तुमने अपने घर के हिसाब की टीम भेजी थी क्या कि जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले ग्राउंड या इंग्लैंड की पिचेस पर ही खेल सकती है। वर्ल्ड कप पता है वेस्ट इंडीज में हो रहा है और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने आती है तब चीज नहीं। एक और चीज या फिर जहां मैच हुआ है ये वाला फाइनल हुआ है वहाँ आज तक इंडिया के अलावा कोई टीम खेली ही नहीं है। जब तुम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड विकेट पे मैच कराते तब क्यों नहीं कहते वर्ल्ड कप में नहीं इंडिया वाले तो वैसे पिच पे खेलते उनके लिए वैसे पिच लाएंगे। हाँ। यार तुम थोड़े सुधर जाओ। इतने बड़े लेवल पर जाकर भी जो ऐसे टुच्ची बातें करते ना तो मुझे ये लगता है कि हार बर्दाश्त तो हो नहीं रही है। वो सोच रहे हैं कि कुछ भी बोल लो कुछ भी बोल लो। भाई देखो उंगली उठाने वाले 36 लोग आएंगे जाएंगे। ट्रॉफी हमने कमाई है और इज्जत है कि इंडिया अगर कुछ भी ऐसा प्रोग्रेस करता है किसी भी उसमें तो जलती है तो देखी नहीं जाती। जलती है इनकी लाइनों में दर्द होने लगते हैं फिर। आपकी इस बारे में क्या राय है और कितनी सूजी होगी आपको क्या लगता है? बहुत सूजी है बहुत लोग की है। धीरे धीरे जिनकी स्वेलिंग कम हो रही है ना वो आ रहे हैं आगे कि हम भी बताते दर्द बहुत हुआ है हमको भी तो अपना अपना दर्द इजहार कर रहे हैं लोग। उनके दर्द को इजहार होने दो और आप स्वाद लो। मिलते हैं आप लोगों से कपड़े के साथ। एक चीज याद रखना इंडिया बहुत बढ़िया खेली है। लास्ट ईयर भी बढ़िया खेली थी। लास्ट ईयर भी अगर इंडिया जीत जाते हैं तो कह देते इंडिया में हुआ था तो जीत गए। हर चीज का रोना ही है इनका। मिलते हैं आपसे कपड़े के साथ। बाय टेक केयर।